हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं अंकुरित मूंग दाल की खिचड़ी। ये हमने मूंग दाल ली है एक कटोरी, ये हमने पौना गिलास चावल लिए हैं, ये हमने काली मिर्च ली है, लौंग लिया है, तेज पत्ता लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है। अब हम बनाए, देखो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डाला है हमने, काली मिर्च और लौंग डाला है। अब हम इसमें राइस डाल, देखो दोस्तों ये हमने ब्राउन राइस लिया है जिसको पक्का चावल नहीं कहते हैं, इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अब हम इसे आधा चम्मच नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। इसमें हम तीन गिलास पानी डाला है क्योंकि ये चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, एक गिलास एक्स्ट्रा डालना पड़ता है इसमें भी। लेकिन अभी दाल हम नहीं डालेंगे, हाफ बॉयल होने के बाद दाल। देखो दोस्तों हमारी खिचड़ी हाफ कुक हो चुकी है, अब हम इसमें मूंग दाल डालेंगे। हाफ कुक होने के बाद हमने इसलिए मूंग दाल डाल लिया है क्योंकि हम मूंग दाल को ज़्यादा नहीं पकाना चाहते, थोड़ी थोड़ी कच्ची रहनी चाहिए, नहीं तो उसके सारे न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। देखो हमारी खिचड़ी कितनी अच्छी लग रही है, अब हम इसको ढक के पकाएंगे। देखो दोस्तों हमारी अंकुरित खिचड़ी तैयार है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें ये मैं एक बड़ा चम्मच प्योर घी डालूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू।